हाँ ये अच्छा है, मेरी पसंदीदा 58 है, क्या कहती हो? हाँ ये बहुत अच्छे हैं सारकान, अब इसे साइड में रख दो और नाश्ता करो, अगर इस पे कुछ गिर गया तो मसला हो जाएगा। इन हरकतों की वजह से नाश्ता खत्म होने तक तुमसे मेरा ताल्लुक खराब भी हो सकता है, तो फजूल की बातें बंद कर दो। हाँ 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 सही कह रही है, जल्दी करो, चलो मेरी जान हम चलते हैं, देर हो रही है। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है फिर चलते हैं। उम्मीद है तुम स्कूल ही जा रहे हो। हाँ अभी तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाद कुछ और प्लान्स हैं हमारे। तुम्हें पता है सरप्राइज मुझे राज नहीं आते। फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, स्कूल के बाद हम माहिरा डे मनाएंगे माँ और बेटी मिलकर, ठीक है? अच्छा तो मेरे बगैर माहिरा डे मनाया जा रहा है? हाँ जब तक आप लोग बैठ के यहाँ मीटिंग करेंगे तब तक हम लोग माहिरा डे मना लेंगे, है ना अम्मी? हाँ मेरी जान, चलो अब जल्दी से बाबा को प्यार करो, हम चलते हैं। ओह मैं उम्मीद करती हूँ कि हर चीज बहुत ही जबरदस्त होगी। मजे करो जाकर और देर मत करना, साथ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है आप लोग भी काम पर जाइए, ये काम हो जाए फिर हम सेलिब्रेशन रखेंगे। चलो मेरी जान हमें देर हो रही है, बाय बाय। बाय बाय, खुदा हाफिज। हेलो बात सुनिएगा, मैं बुर्जू को ढूंढ रहा हूँ लेकिन लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? दरअसल मैंने सारकान साहब के लिए सीवी तैयार की थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा वैसे इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं थी, आप इसे मेल भी कर सकते थे। मुझे आमने सामने की मुलाकात ज्यादा पसंद है। ठीक है आप ऐसा करें, इसे बुर्जू के टेबल पर रख दें, वो इसे देख लेगी। अजीब। स्कूल के बाद माहिरा डे मनाने के लिए तैयार हो? जी तैयार हूँ। चलो फिर आज का दिन शुरू करते हैं, चलो। सीट बेल्ट बांधना मत भूलना, ठीक है? जी नहीं भूलूंगी। ठीक है। हम लोग अब म्यूजिक ऑन करेंगे और अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं। हाँ ऐसा ही है। आपका बहुत शुक्रिया कि मीटिंग के लिए हमने आपको घर पर बुलाया और आप आने के लिए रसामंद हो गई। आपके इस खुलूस का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे निजात साहब। बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन डॉक्टर के इसरार पर मुझे ये करना पड़ा, मजबूरन, वरना सच कहूँ तो मुझे भी ये पसंद। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सारी बातें यही होंगी या टेबल पे चलें? ठीक है प्लीज। वैसे यहाँ आते हुए नीचे मैंने कार में एक लड़की और एक बच्ची को देखा, क्या उस कार में आपकी वाइफ तो नहीं थी? जी मेरी बेटी और वाइफ। काश उनसे मिल पाती मैं, खैर फिर कभी सही। मैं जल्द आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा, वादा। निजात एक अच्छा शोहर और एक अच्छा बाप है, इसीलिए तो हम सब इसकी कदर करते हैं। क्या वाकई? अच्छी बात है। अगर आप तैयार हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है शुरू करते हैं। भाई तुमने इस वक्त मुझे ऐसे क्यों बुलाया? मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था। कैसी हैं आप आइलैंड साहिबा? क्या आपने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ दिया है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे मुताबिक मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम तो वहाँ बच्ची की आया थी ना? हाँ बिल्कुल, और यही बात सच है। छोड़ो इन सारी बातों को, आइलैंड का क्या किस्सा है ये बताओ मुझे। आइलैंड माहिरा की असली माँ है। तो फिर क्या वो दोनों एक साथ नहीं है? नहीं, आइलैंड 5 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी और निजात ने माहिरा को हमेशा यही बताकर रखा था कि वो वापस आ जाएगी।
और फिर आ गई तुम उस बच्चे की नकली माँ बनकर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बाबा को मत बताना, सब कुछ अचानक हो गया था। उस बच्ची को लगा कि मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए हमें ये नाटक जारी रखना पड़ा। एक बात बताओ मुझे, वो आदमी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है ना, सही कहा ना? नहीं भाई, निजात साहब बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। उन्हें बस माहिरा की फिक्र है और वो उसी के बारे में सोचते हैं। प्लीज बाबा को मत बताना। हाँ ठीक है सोना, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, उनका ना जानना ही बेहतर है। लेकिन फिर तुम्हें अपने भाई के लिए एक काम करना होगा। क्या चाहते हो? मैं निजात साहब के ऑफिस में अपनी सीवी रखकर आया हूँ, तुम उनसे मेरे काम के हवाले से बात कर लेना। हाँ मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। सोना बस तुम मेरा ये काम मत भूलना, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है भाई, शुक्रिया तुम्हारा। ये मैं ले लूँ? नहीं इसे मेरे पास ही रहने दो। अच्छा ठीक है। ये सब कुछ इसी तरह होगा। अगर इसके मुतालिक आप कोई भी सवाल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मैं बता दूंगा। हर चीज क्लियर है। मैं जानती थी कि हमारी ये मीटिंग बहुत खुशगवार साबित होगी, लेकिन इतनी खुशगवार होगी ये नहीं सोचा था मैंने। बहुत शुक्रिया। अगर आपको एतराज नहीं है तो क्यों ना कागजी कार्रवाई भी हो जाए। ठीक है तो मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक। हाँ सबको मुबारक हो। वैसे मैं इस जगह को काफी पसंद करने लगी हूँ और तुर्किया में ही रिहायश पजीर होने का सोच रही हूँ, और इस जगह से आराम से मैं अपने काम को भी मैनेज कर सकती हूँ। क्यों ना हम यही कहीं आसपास में अच्छा घर तलाश कर लें। ठीक है मैं अभी से देखना शुरू कर देती हूँ। अगर आप फैसला कर चुकी हैं तो मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। इस तरह तो हमारी एक दूसरे से बहुत मुलाकात होगी, आजिज ना आ जाए मुझसे। अरे नहीं, हमें मेहमान नवाजी पसंद है। वैसे इस तरह के कामों में औरतें मर्दों से थोड़ी ज्यादा समझदार होती हैं। अग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। क्यों ना आपकी वाइफ इस काम में मेरी मदद करे। बिल्कुल उसे खुशी होगी। ठीक है अगर अब आप सबकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं आप जहमत मत करें निजात साहब। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Yes! हो गए, हम कामयाब हो गए। वहाँ खड़े खड़े खुशी मनाते रहोगे क्या तुम लोग? ये हुई ना बात। हाँ मेरे भाई, सब अच्छा हो गया। वाकई हमने कर दिखाया। बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया शौकत। वाह निजात साहब, आपको क्या समझा और आप क्या निकले। तो ठीक है फिर ऐसे ही शुरू करेंगे। रिफत। जी बाबा। वहां बैठकर क्या कर रहे हो, चलो जाकर तोस बनाओ। चलो शाबाश, जल्दी 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 जाओ, देर मत अभी करता हूं। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। ये तैयार है, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो क्या तुम इन्हें सर्व करके किचन से थाल ला कर दे सकती हो? अल्लाह अल्लाह, क्या लग रहा है तुम्हें हैरी कि मैं यहाँ कुछ भी ना खाऊं और मदद करूं तुम्हारी? मेरे लिए? किसी को नहीं बताना, ये सब सर्व करके आओ, फिर मैं तुम्हें एक और दूंगा। ठीक है? अभी सर्व करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल। माहिरा खुद को थकाओ मत। जी ठीक है। सबका कहना है कि सेलिब्रेशन डिनर के लिए हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये डिजर्व करते हो तुम। क्या? हमारी कामयाबी में तुम्हारा भी हाथ है। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या सोच रही हो, कोई परेशानी है क्या? बता सकती हो मुझे? तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती निजात। बताओ क्या बात है? अब बता भी दो, मेरी टांग दर्द कर रही है। सुन रहा हूं मैं, बताओ। भाई ऑफिस आया था और उसने वो मैगजीन देख लिया। क्या वाकई में? मैं जानती हूँ ये अच्छी तो बात नहीं है, मगर। मगर क्या? उसे अगर ऑफिस में काम ना दिलवाया तो वो बाबा को बता देगा। वैसे तो वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे खुद नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है। उसे जो भी काम कहोगे वो पीछे नहीं हटेगा। उफ़,
माफी चाहती हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हांदे, यहाँ आओगी जरा? हांदे को क्यों बुला रहे हो? बस देखती जाओ। आइलिन, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, शुक्रिया। मुझे भी खुशी हुई कि तुम आई। हांदे, ये बताओ तुम्हें ड्राइविंग करना पसंद है या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर तुम्हें माहिरा ग्लासेस की तरफ से एक ड्राइवर मुहैया किया जाए तो क्या ख्याल है? बहुत अच्छा हो जाएगा, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। शुक्रिया निजात। कोई बात नहीं, शौहर का फर्ज है बीवी को खुश रखना। खेलना बंद करो, यहाँ आओ मेरे पास। बाबा। कहो मेरी जान। ये बताएं हम दोबारा छुट्टियों पे कब जाएंगे? बहुत जल्द चलेंगे। अब तुम खाना खाते ही सोने चली जाओगी अपने बिस्तर पर, ओके? क्योंकि आज तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। जी ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट और चलाने दे मुझे प्लीज। सिर्फ 5 मिनट, ओके? जी हाँ। सिर्फ 5 मिनट, जैसे आप कहेंगे 5 मिनट पूरे हो गए मैं सोने चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। शौकत दोआन, आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, फरमाइए। शौकत साहब, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, बराए मेहरबानी हमारे साथ तावुन कीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया पुरजू। ये 2 दिन बहुत मुश्किल थे। जानती हो, अगर तुम नहीं होती तो मैं सच में उस दिन ब्रिज से कूद के अपनी जान दे देता। जानती हूँ, आप ही ने तो बताया था। मुझे लगा मैं दिल में कह रहा हूँ, तुमने सुन लिया था? हाँ। वैसे आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा बहुत। मैंने कुछ नहीं किया, हांदे ने निजात को बचाया है। वो बात नहीं कर रही मैं, मिली साहिबा से माफी मांगकर अच्छा किया, बहादुरी का काम किया आपने। अच्छा ये कह रही हो? किसी लड़की ने आपका दिल 10 साल पहले तोड़ा था, क्या ये सच है? हो भी सकता है। वैसे वो कैसी दिखती थी, यानी कोई मशहूर शख्सियत थी, क्या हम उसे जानते हैं? वो एक माजी बन के रह गई है अब मेरे लिए।
गुड इवनिंग, क्या आप लोग वहाँ के बजाय यहाँ पर आ सकते हैं प्लीज? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बैठे 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 बैठे, हाँ माहिरा तो सो गई है, उसे मैं गुड नाइट कहकर भी आ गई। आप सब इस दावत पर आए उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोगों की कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। और अब मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि निजात को लाइव म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। लाइव म्यूजिक की बात कहाँ से आ गई, मुझे तो हर तरह का म्यूजिक बहुत पसंद है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो म्यूजिक में निजात का टेस्ट बहुत खराब है, इसे सारे के सारे सिंगर्स पसंद आ जाते हैं। नहीं, सिर्फ खूबसूरत सिंगर्स ही पसंद आते हैं। वैसे तुमने ये बात बिल्कुल सही की सारकान, तो मैंने सोचा कि अगर निजात को म्यूजिक से इतना लगाव है तो क्यों ना इसे म्यूजिक सुनाया जाए। ये गाना निजात की टीम को डेडिकेट किया जाता है। Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında, sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak, bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Sab mere saath milkar gaayen. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Zabardast, bahut acche, bahut acche. Kya baat hai? Pata nahi tha itna acha bhi gaati ho tum. Mujhe bahut khushi hai ki tum wapas aa gayi. तुम्हारे बगैर ये सफर मुश्किल था। साथ कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हारा? शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट आइलैंड। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दोस्त। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब कुछ समेट कर अब मुझे किचन में जाना पड़ेगा, शायद यही मेरी सजा है। रुको मैं मदद करती हूँ। कैसी रही आज की शाम? अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। अच्छा गा लेती हो तुम। तुम्हें एक वेट्रेस का गाना पसंद आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं। वैसे ये बात काबिले तारीफ है कि तुम अच्छा गाती हो। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। शुक्रिया तो तुम्हारा, जो इतना साथ दे रही हो तुम मेरा। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। रुको। हुँ? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या मेरे लिए गाना गाना पसंद करोगी तुम? मैं तो इतना अच्छा नहीं गाती ना। प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गा देती हूँ। चलो। तुम भी तो चलो। तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल। Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acepeden. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bu
pencere amdan dünyam kapkaranlık neden bilsen aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsan. Sevmeyince hayat bomboş dedin. Yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni. तुम सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा गाती हो, दिल से गाती हो तुम। शुक्रिया निजात, अब चलना चाहिए मुझे। सोना। हाँ? एक मिनट रुको, मैं हैरी से कहता हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है। हैरी, 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 आ रहा है वो। सोना, सोना, सोना। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे उससे प्यार। नहीं हो सकता, ये वाकई में नहीं हो सकता। मुझसे कहा आपने? आपसे नहीं कह रही। हेलो सोना, कहाँ गई तुम अचानक? टैक्सी से घर जा रही हूँ। वो तो मुझे पता है कि घर जा रही हो, लेकिन ऐसे अचानक क्यों चली गई तुम? नहीं निजात, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही तो जाती हूँ। सोना तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कहाँ हो? मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। कहाँ ना, टैक्सी में जा रही हूँ, बाबा की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सोना, आखिर कहाँ गया? जबरदस्त काम कर दिया तुमने भाई। आपने तो मुझे डरा दिया आपा। भाई तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो। मैं जानती हूँ तुमने सोना से क्या कहा है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुमने सोना से ऐसा कह दिया? ये बताओ कि तुम किस किस्म के भाई हो। हाँ, ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आपा मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मसाइल है, मैं आपसे उलझना नहीं चाहता। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैगजीन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं ऐसे यादगार के तौर पर लाया था और यहीं भूल गया, और अब मैं इसे ही वापस लेने आया हूँ आपा। वाह क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त काम कर दिया तुमने भाई। अगर ये बाबा ने देख लिया तो तुमने सोचा है क्या होगा इसका? बाबा कहाँ है? मुझे नहीं पता। शौकत अंकल को पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन ले गए उन्हें। यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी बेटी उस जगह को किराए पे लेना चाहती है, बस पसंद है उसे वो जगह, और वहां का मैंने नहीं बताया उसे, खुद ढूंढी है उसने, और वो जगह उसकी है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकती है। सोना को अपनी बेटी मत कहो। मैं एप्लीकेशन वापस नहीं लूंगी, यही आखिरी फैसला है मेरा। तो तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल गई, और मैं तुम्हें दोबारा कभी देखना नहीं चाहती हूँ। अब जो बात करनी है उसके लिए वकील मौजूद होगा। इतने साल गुजरने के बाद तुम करना क्या चाह रही हो ये बताओगी? हाँ, डरो मत, एक माँ अपने बच्चे के पास वापस नहीं आई, इस दफा मैं सोना की माँ की हैसियत से तुम्हारे सामने नहीं खड़ी हूं, ऐसा सोचना भी मत। कभी नहीं मिलना चाहूंगी तुमसे शौकत दुआन। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो बताओ, चलती हूं मैं। सॉरी, माफ कर दीजिएगा मुझे, मैंने आपको देखा नहीं, कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? थोड़ा जल्दी में इसलिए ऐसा हो गया। बाबा ये क्या है, हम तो डर ही गए थे, और ये पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है बाबा, आप बताएंगे? तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से बाहर चलो। बाबा आप ठीक तो हैं? बाबा हम तो बहुत ही परेशान हो गए थे। मैं तो बहुत ही घबरा गया। आप ठीक तो है ना? जाहिर सी बात है, मैं डर गया था। बाबा पुलिस स्टेशन क्यों गए थे, ऐसा क्या हुआ था, क्या पैसों का मामला था? बाबा मैं तो सच में बहुत ही परेशान हो गई थी। सानिया बेटा बस भी करो, ये गलतफहमी थी जो दूर हो गई है, बस भी करो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिसने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी उससे मुझे बात क्यों नहीं करने दी? ऐसी बेकार बातों पर वक्त ज़ाया मत करो, तुमसे जितना हो सकता था तुमने कर लिया, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी कुछ दिन पहले मैंने तुम पर ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था, तुम्हें डांटता रहा चीखता रहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बाबा, बस आप ठीक रहें। सोना घर आ गई है। अच्छा बात सुनो, जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में अपनी बहन को बताने की कोई जरूरत नहीं, वो खामखा में परेशान हो जाएगी, वादा करो। वादा। तुम भी? वादा करता हूं। जबरदस्त, चलो ऊपर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। माहिरा, हैरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैरी को आवाज दे रही थी, दिखाई नहीं दे रहा। उसे बाहर भेजा है मैंने। किस लिए? ताकि अकेले हों हम यहां पर। कल रात मुझसे क्यों भाग गई थी तुम? नहीं, भागी तो नहीं थी मैं। भाग रही है मुझसे, लेकिन क्यों? भागी नहीं थी, कुछ काम था इसलिए चली गई। मैं तुम्हारे भागने की वजह जानता हूं। क्या जानते हो? तुम वही गाना गा रही थी जिसका बुर्जू ने जिक्र किया था तुमसे। जैसे ही तुम्हें इस बात का एहसास हुआ तुमने गाना रोक दिया।
मैंने हैरी को बुलाया और तुम पीछे से भाग गई। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। हाँ। तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता सोना। नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? ये बात मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कहती हो? देख तो रही हूं मैं तुम्हारी आंखों में। एतराफ कर लो। क्या? कि तुम्हें प्यार हो गया है। लगता है पागल हो गए हो तुम निजात। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, जानती हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी आंखों में देखकर कहो। वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। प्यार हो गया है तुम्हें निजात, कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में प्यार हो गया है? कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। यकीन करो मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। कहा ना नहीं है। सच कह रही हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्यार नहीं है तुमसे, नहीं है ना निजात। यकीन क्यों नहीं करते मेरा? कहा ना नहीं करती। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। सोना, अब उठ भी जाओ। हाँ उठो। क्या चाहिए? तुम खुद से क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं आपा, क्या सुन लिया आपने? तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। नहीं, टाइम क्या हुआ है? तुम्हारे उठने का टाइम हो गया, अब उठ भी जाओ। तुम आजकल बहुत देर से नहीं उठ रही हो, जल्दी। 7 बज गए। उफ उफ यार।